हेलो बालाघाट, कैसे हैं आप सब। तो फिर से तैयार हो जाइए एक अनोखे कॉन्टेस्ट के लिए जो कि पद्मेश 24/7 आपके लिए लेकर आया है, जिसका नाम है पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट, जहां आपके पास मौका है बालाघाट के सामने आने का और अपना हुनर दिखाने का, साथ ही रोज टीवी में आने का और ढेरों इनाम जीतने का। तो आइए बताते हैं आपको इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए क्या करना होगा। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आप सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कीजिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप पद्मेश मीडिया को फॉलो करें। याद रखें, पद्मेश मीडिया के पेज को फॉलो करना इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए अनिवार्य होगा। फिर अपने डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, कॉमेडी या किसी भी प्रकार की रील अपने अंदाज में बनाइए जो कि दर्शकों को एंटरटेन करे। अब आपकी बनाई हुई रील को हमारा हैशटैग पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट यूज कर पद्मेश मीडिया के पेज को टैग करके पोस्ट करें। सभी रील शाम 6 बजे तक ही स्वीकार की जाएगी और प्रतिदिन 3 ही रील सिलेक्ट की जाएगी। अगर आपकी रील सिलेक्ट होती है तो उसे रात 10 बजे पद्मेश 24/7 की बुलेटिन और पद्मेश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दर्शाया जाएगा। कॉन्टेस्ट के अंत में 3 सर्वश्रेष्ठ रील को सिलेक्ट किया जाएगा और उसे बनाने वाले प्रतियोगी को पद्मेश 24/7 के स्टूडियो में बुलाकर इनाम के साथ सम्मानित किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत से कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए और बालाघाट को अपना हुनर दिखाने के लिए। हमारा कॉन्टेस्ट 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक प्रारंभ है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे निवासी शिक्षक मानिक बघेल मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिले के आला अधिकारियों से उनकी पत्नी और 2 बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपियों की खोजबीन कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे निवासी शिक्षक के साथ यह घटना 1 माह पूर्व 10 जून को घटित हुई थी। जब वे चुनाव ट्रेनिंग की ड्यूटी कर अपने घर वापस आ गए तो उनकी पत्नी तुलसन बघेल, बेटी दिव्यांशु और बेटा अविनाश बघेल नहीं थे। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, ससुराल और रिश्तेदार को फोन लगाकर पता किया गया, लेकिन दोनों बच्चों का और पत्नी का कहीं भी पता नहीं चला। इसके बाद उनके द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक उनकी पत्नी और बच्चों का पता नहीं चल पाया है। शिक्षक मानिक बघेल अपने 2 बच्चों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं और पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के बीच चक्कर लगाकर लगातार पत्नी और बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाते जा रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पीड़ित शिक्षक मानिक बघेल ने बताया कि उनका पत्नी के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था, ना ही कोई पारिवारिक वजह थी। चुनाव ट्रेनिंग लेकर 10 तारीख को वे जब घर पहुंचे तब उन्हें घर में पत्नी और दोनों बच्चे नहीं मिले। तब से वे लगातार उनके बारे में पता कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। एक दिन उन्हें घर में मोबाइल पड़ा मिला। मोबाइल में 4 लोगों के आउटगोइंग एवं इनकमिंग कॉल दिखे, जिसके बाद उनके द्वारा बिरसा थाने में जाकर फिर गुहार लगाई गई, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण एडिशनल SP बैयर, SDOP एवं SDM बैयर को लिखित रूप से शिकायत कर आरोपियों पर अपहरण का मामला पंजीबद्ध किए जाने की मांग की जा चुकी है। दिनांक 10/6/2022 को जब मैं चुनाव ट्रेनिंग लेकर वापस अपने घर गया तो देखा कि वहाँ मेरे परिवार वाले, मेरे नाबालिग 2 बच्चे घर पे नहीं हैं। जब घर के अंदर घुसा तो देखा कि वहाँ घर में कोई नहीं थे। जब मैं उनको आसपास ढूंढा, पता लगाने के लिए, तो वो कहीं पर भी नहीं मिले। पड़ोस आस पड़ोस में पूछा, उसके बाद मैं अपने ससुराल वाले से फ़ोन लगाया, अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाया, कहीं पता नहीं चला। तब जा कर के मैं गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई दिनांक 13/6/2022 को। उसके पश्चात से कार्रवाई नहीं हुई है। पुनः मैं जब अपने घर वापस गया तो एक मोबाइल पड़ा मिला। इस मोबाइल में 3-4 लोगों के आउटगोइंग और कमिंग कॉल देखा। उसके बाद पुनः मैं थाना सूचना देने गया तो वहाँ कोई मतलब कार्रवाई नहीं किए। तब मैं जाकर के एडिशनल SP महोदय भैया एवं SDOP महोदय भैया तथा SDM महोदय भैया को लिखित रूप से शिकायत किया कि उनके ऊपर अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया जाए। किसके ऊपर? जो 4 लोगों ने फोन किया था, वाकुमार बंजारा, बगाम शांडिल, सतीश साहू, लखन सिंह कुशाम, 4 लड़के जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट करने के लिए भी कहा, लेकिन हमारे पुलिस थाना बिरसा से किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं। आज दिनांक मैं अपने बच्चों के लिए घर घर भटक रहा हूँ, इधर उनकी पढ़ाई शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, अपहरण हो गया है उनका, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज दिनांक तक कहीं पता नहीं चला। कितने दिन? ये लगभग 1.5 माह हो गए, 10/6/2022 से लापता हैं। उनका मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा है, मोबाइल बंद कर दिया गया है,
परिवार में कहीं भी पता नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने आज कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में शिकायत करने आए कि उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई, अपहरण मामला पंजीबद्ध किया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई।